नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव वंडर्ड हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. ऑल्दो चिल्ड्रेन ऑफन लुक मोर लाइक वन पेरेंट देन द अदर, मोस्ट ऑफ स्प्रिंग सीम टू बी अ ब्लेंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जेनेसिस मीन्स डिसेंट. इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर दैट इज इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल दैट गवर्न ओरिजिन और बर्थ ऑफ लिविंग बींग. द टर्म जेनेटिक वॉज गिवन बाई विलियम बेट्सन इन द ईयर 1906. तो द टर्म जेनेटिक्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग टू जेनरेट वॉज कॉइन्ड बाई ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट विलियम बेट्सन 1861 टू 1926 इन 905. ऑल्दो बिगनिंग ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स वॉज मेड इन 900 बाई रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. जेनेटिक्स मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म. Genetics occupy a central position in modern biology. It can be applied to all microbes, plants and animals. तो genetics biology की वो branch है जो कि heredity की study से और variation यानी changes जो होते हैं organism में उससे concerned है, उससे related है. Heredity का मतलब होता है transmission of character from parents to offspring. माँ बाप से बच्चों में character कैसे जाते हैं, इसकी science को heredity कहते हैं. हेरिडिटी, हेरीशिप और इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. जेनेटिक्स में हम कंपैरिजन करते हैं करेक्टर्स में, जबकि ट्रांसमिशन कैसे होता है इसको हम हेरिडिटी में स्टडी करते हैं. द टर्म हेरिडिटी इंडिकेट्स लाइफ बिगिट्स लाइफ दैट इज ऑफस्प्रिंग टेंड टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स. इसका मतलब हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल उसके जैसा होता है. जैसे कुत्ते का जो पिल्ला है वो बिल्कुल कुत्ते जैसा ही होता है. ह्यूमन की जो बेबी होता है वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही दिखता है. हेरिडिटी इंक्लूड्स दोज ट्रेट्स और करेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. वेरिएशन मीन्स चेंजेस आर मेनली टू टाइप्स, नेमली हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल. Hereditary variation refer to difference in inherited traits. Variation are found in progenies of same or different parents. तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो changes हैं वो environmental factor की वजह से नहीं बल्कि केवल heredity से होते हैं. जो माँ बाप के character होते हैं वही बच्चों में जाते हैं. पर आज की date में हम जानते हैं कि 50% role environment का भी होता है. बाहर का जैसा environment होता है उसी तरीके से organism में changes आते हैं. ट्रेट विच आर प्रेजेंट इन पेरेंट कैन री एसॉर्ट एंड गिव राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी वेरिएशन विद इन द सेम प्रोजेनी. आइडेंटिकल ट्विन्स हाउएवर इन एन एक्सेप्शन. यानी कि हर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में चेंजेस वेरिएशन होते हैं. ट्विन्स को जुड़वा बच्चों को छोड़कर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते हैं. वेयर इन इज एन आइडेंटिकल ट्विन्स However, in an exception where no heredity variation exists. Environmental variation are those which are merely due to environment. Study of genetics therefore enable us to differentiate between hereditary variation and environmental variation. While hereditary variation are transmitted from generation to generation, environmental variation are temporary and have nothing to do with the last or the next generation. Heredity variation with the progeny result due to sexual reproduction. तो माँ बाप से जो करेक्टर बच्चों में आते हैं वो दोनों मिक्स होकर आते हैं क्योंकि कुछ करेक्टर मदर से और कुछ करेक्टर फादर से आते हैं स्पर्म और एग मिलने की वजह से. If there were no sexual reproduction, there could be no hereditary variation except those due to mutation among the individual of the same progeny. It is due to this reason that in asexually reproducing plants, the population appear fairly uniform. Obviously, sexual reproduction has played a very important role in evolution.
इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर और ट्रेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. लाइक begets like means the young one look like their parents. Cat produce cat and not dog. An elephant give birth only to a baby elephant and not some other animal. A mango seed germination into a mango tree and not any other plant. Human give birth to only humans and not to apes. Even the curd bacteria which undergo 100 or of generation each day continue to produce same type of bacteria and not of any different type. All organisms, whether animal, plant or microorganism, produce their own kind through reproduction. But the offspring are never identical to their parents. Some differences, however small, it may be found in them. This is called variation, means changes the degree by which progeny differ from their parents. All human beings share many characters, main characters among themselves, yet they look different in several features like eye color, hair shape, tongue rolling, skin color, type of earlobe, body height, etc. The individual member of a family too show differences in body feature. The same is true for animals too. Dog, cat, cow or buffalo, each one of them have so many breeds, and even in the same breed there are minor differences and variation among individuals. Early humans know that cause of variation was hidden in sexual reproduction. They successfully bred domesticated variety from wild plants and animals through selective crossing and artificial selection. For example, chicken is the domesticated form of ancestral wild fowl, and the Indian cow Sahiwal of Punjab is the domesticated form of ancestral wild cow. However, though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, but they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. Now I am talking about Mendel's law of inheritance. The credit for our present understanding of mechanism of heredity goes to an Australian monk, Gregor John Mendel. He performed a large number of experiments on pea plant and deduced his observation to mathematical law. These laws are called Mendel's law of inheritance or Mendelism. Mendel's life. Gregor John Mendel, 1822-1844, the father of genetics, was born on 22nd July 1822. He received his school education in a monastery in Brno and took a 2-year university course in philosophy. His original paper experiment on plant hybridization was published in the Proceedings of Society in 1866. Mendel's work, however, ignored at that time. This was perhaps because of the following reason. Number one, he published his work in an obscure journal. The communication was not easy as it is now in those days, and his work could not be widely publicized. Scientists failed to notice his work because at that time the scientific world was busy in the controversy arisen by Darwin's theory of origin of species. His idea was ahead of his time, and ignorance prevailed in the period about cytological basis of heredity. His concept of factor or genes as a stable and discrete unit that control the expression of traits and of the pair of allele which did not blend with each other was not accepted as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. Though Mendel's work suggested the factor genes was discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of. क्योंकि उस समय क्रोमोसोम्स और जीन के बारे में कोई भी नहीं जानता था, इसलिए मेंडल ने इसको फैक्टर्स का नाम दिया था, तो इसके बारे में कोई भी
यकीन नहीं करता था। ऊपर से वो मैथमेटिक्स के तरीके से उन्होंने बायो को स्टडी करके डेटा कलेक्शन किया था, तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अननोटिस फॉर अबाउट 34 ईयर्स। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, हिज हेल्थ वॉज डिटोरिएटिंग एंड ऑन 6 जनवरी 1884 ही पास्ड अवे। ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पाइजम सेटाइवम फॉर 7 ईयर्स 1856 to 1863 एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। After 16 years of his death, in the year 900, Mendel's work came to light when the three other eminent biologists, Karl Korens of Germany, Hugo Drewes of Netherlands, and Erlich von Bismarck of Australia, working independently, rediscovered the Mendelian principle and then gave him the recognition he observed. In 1902, it was suggested that Mendel's unit of inheritance might be found on the chromosome, and in the early 20th century, Thomas Morgan and his team in United States worked with the Drosophila to gain evidence from this idea. From this point onward, the study of genetics snowballed.